हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी आईक्यू आईएएस हिंदी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमरेंद्र पांडे। स्टडी आईक्यू आईएएस हिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं उपस्थित हूं आप लोगों के लिए, एक खुशखबरी है, एक बड़ी छूट है। थंबनेल से आप लोगों ने देख लिया होगा, अक्सर आपको इंतजार भी रहता है कि स्टडी आईक्यू के बैचेस को उस टाइम खरीदेंगे जब कुछ त्यौहार की छूट चल रही हो, और उस त्यौहार की छूट अभी शुरू है। इसीलिए मैंने आपको थंबनेल दिया है कि क्या फायदे हैं इस समय अगर आप स्टडी आईक्यू का कोर्स लेते हैं। तो सबसे पहली बात, जिस कोर्स के बारे में मैं आप लोगों के समक्ष बात करने के लिए उपस्थित हूँ, उस कोर्स को 2025 के यूपीएससी तैयारी के लिए आप परचेज करेंगे। अगर आप 2026 के लिए भी सोच रहे हैं तो भी ये बैच आपको मिल सकता है। लेकिन आप सोच रहे हैं कि सर अभी फायदा क्या होगा। देखिए, फायदा ये होगा कि यूपीएससी की तैयारी के लिए मिनिमम आपको कम से कम 18 महीने से लेकर 20 महीने का समय चाहिए होता है, जिसमें आप अपने पाठ्यक्रम को अपने शिक्षकों के माध्यम से दोहरा सकें, सिलेबस कंप्लीट कर सकें और चीजों को रिविजन कर सकें। और रिविजन करने के बाद जो प्रैक्टिस है उस प्रैक्टिस को भी आप पूरा कर सकें, तब जाके आप कहीं यूपीएससी एग्जाम के में अपीयर होने लायक होते हैं। वैसे तो आप कुछ भी सोच के अपीयर हो जाइए, चाहे जब अपीयर हो जाइए, बहुत सारे लोग हैं 100 रुपए का फॉर्म भरते हैं, जाके एग्जाम दे आते हैं, कभी उनको दो सवाल नहीं होते, उनसे नंबर उनके नेगेटिव में आते होंगे। लेकिन ऐसी भीड़ 10-12 लाख की है, तो आप 10-12 लाख लोगों में से नहीं है, आप उन लोगों में से है जो 25-50 हजार लोग जो वास्तव में फाइट में है। आप उसमें तब होंगे जब आप कम से कम 18 से 20 महीने की तैयारी आपने कंप्लीट करी होगी, जिसमें लगभग 10 से 11 महीने आपको सिलेबस कंप्लीट करने में। और एक बार जब आप सिलेबस कंप्लीट करते हैं तो आपकी समझ नहीं विकसित हो जाती, बस इतना आप समझ पाते हैं कि क्या नहीं पढ़ना है और क्या पढ़ना है और जो पढ़ना है वो क्या है, लेकिन उस पर आपका होल्ड नहीं होता। ध्यान रखिएगा, उस पर आपका होल्ड नहीं हो जाता, उसके लिए फिर हमें दोबारा से रिविजन करना होता है, फिर छटनी होती है और फिर हमारे छोटे नोट्स निकल के आते हैं, और उसके बाद तब समझ विकसित होती है कि चीजों को, सूचनाओं को जो हमने अभी तक ग्रहण किया है उसका उपयोग कैसे करना है। इस दौरान शिक्षक के गाइडेंस में, मार्गदर्शन में आप सिलेबस कंप्लीट करने के साथ साथ पीवाईक्यू कर रहे होते हैं, आप एमसीक्यू कर रहे होते हैं, आप आंसर राइटिंग कर रहे होते हैं, प्रीवियस ईयर के आंसर राइटिंग कर रहे होते हैं, सब कर रहे होते हैं। लेकिन जो परफेक्शन है ना, उसके लिए हमें टाइम चाहिए होता है, और वो टाइम अभी है। अगर आप अभी स्टडी आईक्यू के बैच के साथ आते हैं और 2025 के लिए टारगेट कर रहे हैं या 26 देना चाहते हैं, तो ऐसी दशा में ये जो बैच है आपके लिए उपयोगी होगा। जो 2026 के लिए तैयारी करना चाह रहे होंगे उनको 2-3-4 हजार रुपए इसमें ऐड करने होते हैं। वो जब आप स्टडी आईक्यू के ऐप पे जाएंगे, स्टडी आईक्यू के वेबसाइट पे जाएंगे और वहां जाके आप चेक करेंगे तो कॉल नंबर मिलता है, वहां कॉल करेंगे तो वो आपको बता देंगे कि आपके इस फीस के साथ अगर वो ऐड कर देंगे तो आप 2026 के पीटीआई बैच तक कन्वर्ट हो जाएंगे। मतलब आपके पास अगर लगभग 25 से 30 महीने की तैयारी करनी है तो वो भी स्टडी आईक्यू आपको उपलब्ध कराएगा। इस समय बैच लेने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि आपको एक बहुत बड़ी छूट ऑफर हो रही है, और इस छूट ऑफर होने का सबसे बड़ा कारण है होली का त्यौहार। होली का त्यौहार जो कि रंगों का और खुशियों का त्यौहार है, और इस रंगों और खुशियों के त्यौहार में स्टडी आईक्यू आपके खुशियों में थोड़ी और वृद्धि करने के लिए, बढ़ोतरी करने के लिए एक बड़ी छूट ऑफर कर रहा है आपके यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए। मात्र 21,999 रुपए में आप ये बैच पा सकते हैं, जिसको अभी थोड़े ही दिन पहले, 1-2 दिन पहले अगर आप लेते तो आपको लगभग 25,000 रुपए खर्च करने होते, 24,999 रुपए खर्च करने होते। सोचो, अगर आप अभी ये बैच लेते हैं तो आपके पास इतना समय है कि आप 2025 के लिए पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लें, और फिर सिलेबस कंप्लीट करने के बाद प्रारंभिक परीक्षा के लिए आपको स्पेशली जो एसआईपी प्रोग्राम है उसको भी आप कंप्लीट करने के बाद, अपना पाठ्यक्रम सिलेबस कंप्लीट करने के बाद करें, तो आपका पूरा फोकस केवल प्रीलिम्स पे होगा उस टाइम पे, तो आप प्रारंभिक परीक्षा पास कर जाएंगे। क्योंकि मेंस की तैयारी आपने पहले कर रखी है, तो मेंस के दौरान आप जब प्रारंभिक परीक्षा पास कर रहे होंगे तो मेंस के दौरान आपको स्टडी आईक्यू बुलाता है अपने दिल्ली सेंटर पे ऑफलाइन मॉडल में, जिसका कोई चार्ज आपको नहीं देना होता, आपने बस एक बार ये पे कर दिया तो फिर आप फ्री ऑफ कॉस्ट दिल्ली में रहते हैं, स्टडी आईक्यू के वेन्यू पे रहते हैं, खाना पीना
पढ़ाई लिखाई स्टडी मटेरियल और मार्गदर्शन सब फ्री ऑफ कॉस्ट होता है आपका मेंस के लिए। और उसके लिए आप बस केवल मेंस पढ़ रहे होते हैं, और जब आप केवल मेंस पढ़ रहे होते हैं तो मेंस नहीं निकलेगा, ऐसा हो नहीं सकता। तो आप उस मजबूत प्रतियोगियों में फाइट कर रहे होते हैं जो केवल और केवल मेंस की तैयारी कर रहे होते हैं और जिनके दिमाग में पता है कि सिलेबस सब कंप्लीट है। तो मेंस आपका हो जाएगा साक्षात्कार के लिए भी, स्टडी आईक्यू आपको निशुल्क साक्षात्कार कराता है, मतलब P2I प्रीलिम्स टू इंटरव्यू स्टडी आईक्यू आपके साथ है। और इस बैच की शुरुआत 32-33 हजार रुपए से हुई थी, और अभी आप, और ये फिर बढ़ जाएगा, अभी आप अगर इस बैच के साथ जाते हैं तो आपको ये केवल 21,999 रुपए में उपलब्ध होने वाला है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि अभी आप सोचें और सोचते सोचते कहीं 26 जो मार्च है, 26 मार्च की जो डेट है, कहीं वो ना निकल जाए। इस प्राइस में आप इस बैच को मात्र 26 मार्च तक ही परचेज कर सकते हैं। तो अगर आप होली सेल का लाभ उठाना चाहते हैं, अपनी तैयारी को एक मूर्त रूप देना चाहते हैं, अपनी तैयारी को उस स्वरूप से आगे बढ़ाना चाहते हैं जिस स्वरूप से परिणाम आता है, तो आप इस बैच के साथ जुड़ सकते हैं। और 26 के लिए सोच रहे हैं तो भी लाभ क्या है कि इस बैच को भी एक दिन पहले ये 24,999 का 25,000 का था, और अगर आप 26 के लिए भी लेते हैं तो वह मुश्किल से 3,000 के आसपास की एडिंग होगी। तो उतने में, जितने में आप 25 के लिए बैच खरीद रहे थे, उतने में ही आप 26 के लिए P2I बैच में आ सकते हैं। जब 26 का आप एग्जाम देंगे ना, 26 का एग्जाम 2027 में देंगे, और तब पर भी जब PT होता है तो इसी पैकेज में, सोचो 2 साल बाद इसी इतने से मात्र इतने रुपए में आपको स्टडी आईक्यू फिर फ्री ऑफ कॉस्ट दिल्ली में आपके रहने का, खाने का, पढ़ाई लिखाई का सब खर्चा उठाता है। तो कई बार बहुत सारे छात्र होते हैं जिनके दिमाग में ये रहता है कि सर UPSC करना तो चाहते हैं लेकिन फीस इतनी महंगी है कि सक्षम नहीं हो पा रहे हैं, चीजों तक अपनी पहुंच नहीं बना पा रहे हैं। तो अगर चीजों को तक अपनी पहुंच नहीं बना पा रहे हैं और सक्षम नहीं हो पा रहे हैं, तो स्टडी IQ कमिटेड है इस बात के लिए कि ये अफोर्डेबल एजुकेशन, अफोर्डेबल क्वालिटेटिव एजुकेशन आप तक उपलब्ध कराएगा। मतलब आप जो वहनीय क्षमता आपकी है, उस वहनीय क्षमता में आप एक गुणात्मक पूर्ण जो शिक्षण है वो प्राप्त कर सकते हैं, और वो भी गारंटी के साथ कि जो गुणात्मकता शिक्षकों की या स्टडी मटेरियल की या कक्षाओं प्रोग्राम की या अन्य चीजों की स्टडी IQ आपको इस प्राइज में उपलब्ध कराता है, ये शायद ही आप इसकी इस प्राइस की तुलना किसी से भी कर सकते हैं। ये इतना गुणात्मक और अफोर्डेबल है। तो अगर आपने दिमाग बनाया है या नहीं बनाया है, नहीं बनाया है तो बना लीजिए। होली आपको याद भी रहेगा कि आपने अपनी तैयारी स्टडी IQ के साथ कब शुरू की थी और आपकी जर्नी किस तरीके से एक नियत समय पे खत्म होती है, और ये हमेशा आपके लिए यादगार होगा। होली का त्यौहार भी सिलेक्शन के बाद आपके लिए आपके जीवन का सबसे बड़ा त्यौहार बना रहेगा। तो ऐसी स्थिति में अगर इस समय आप एडमिशन के लिए सोचते हैं तो आपके लिए एक बेहतर चीज हो सकती है, 26 मार्च से पहले अपना एडमिशन डन कराएं, AP लाइव कोड का इस्तेमाल करें। अगर आप ये करते हैं तो AP लाइव कोड का इस्तेमाल करिए। आपका जो ये बैच है ये शुरू हो रहा है 29 मार्च से शाम 6 बजे, इवनिंग में शाम 6 बजे से ये बैच आ रहा है आपका 29 मार्च से। तो जैसे छुट्टियां आप खत्म करेंगे रंग का खुमार उतरेगा, आप अपनी तैयारी शुरू कर चुके होंगे 29 मार्च से। लेकिन बैच की खरीदने की जो आखिरी डेट है जिसमें आपको 21,999 रुपए में ये उपलब्ध होगा बैच, वो आपका है 26 मार्च। तो मैं अपेक्षा करूंगा कि आप इस अवसर का लाभ उठाएंगे और आप जुड़ेंगे मेरे साथ। मैं आपको मिलूंगा बैच में, पॉलिटी पढ़ाते हुए, एथिक्स पढ़ाते हुए, ऑप्शनल पढ़ाते हुए, PSIR। तो आप जुड़े रहेंगे, आप वहां लिखिएगा कि सर मैंने आपका कोड इस्तेमाल किया था और मैं आपके साथ जुड़ा हूं, है ना। व्यक्तिगत मार्गदर्शन भी आपको उपलब्ध मेरे द्वारा कराया जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ढेर सारी होली की ढेर सारी शुभकामनाएं आप लोगों को, होली की ढेर सारी बधाई, और होली के दौरान इस निर्णय को अपना पूरा करिए, और उसके बाद 29 मार्च से जो बैच आपका शुरू हो रहा है इवनिंग में 7 बजे, उसमें जुड़िए, अपने सपने को साकार करिए। चलिए इस बैच, इस क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं। एक बार और ढेर सारी शुभकामनाएं आप लोगों को, जय हिंद। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।